तो देखिए नौशेरा से हराया था रविंद्र रैना को सुरेंद्र चौधरी ने और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। और देखिए महराज इस वक्त आपको लाइव नजर आ रहे हैं, महराज ये बताइए कि उमर अब्दुल्ला के साथ कुल मिलाकर 5 विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ, लेकिन सबसे ज्यादा भी जो जिक्र हो रहा है वो सुरेंद्र चौधरी का हो रहा है। क्या ये जो तोहफा है वो उन्हें मिला है रविंद्र रैना को हराने का, और जम्मू का भी एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल करुण, आपको बता दें कि जब से ये सरकार, जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने इस चुनाव में एक विजय हासिल की, उसके बाद से काफ़ी सवाल जताए जा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर संभाग की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि जम्मू में भी वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और उसके चलते रविंद्र रैना को हराने वाले जो है सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो निस्संदेह एक पावर शेयरिंग के हिसाब से पावर को इक्वल या बैलेंस करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा की जा रही है। वहीं पर अगर हम दूसरी और की बात करें तो कांग्रेस के किसी भी विधायक ने यहाँ पे मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। उनका सीधा कहना है कि वो अभी जो है विरोध कर रहे हैं, हालांकि जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था स्टेटहुड का, जब तक वो जो है यहाँ पे नहीं देखा जाता, उसके बाद ही वो जो है जब उनकी तरफ से आश्वासन नहीं दिया जाता प्रधानमंत्री की तरफ से, तब तक वो शायद। चलिए ठीक है महाराज, आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं ये सुन लेते हैं। Just to place flowers on the grave of my grandfather, my grandmother, but more importantly, I came to Dargah Sharif Hazratbal just to offer a silent prayer to ask Almighty Allah to give me the strength to live up to the expectations of people. Jammu and Kashmir has gone through an extremely difficult time. तो देखिए उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, और क्या है लोगों की अपेक्षा, और दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले साल 2009 में मुख्यमंत्री बने थे। और इरफान का हम रुख करते हैं। इरफान, हमने देखा प्रियंका गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट हो पाया है कि सरकार के साथ रहेंगे या फिर बाहर रहकर ही सब कुछ चलता रहेगा? क्या हो रहा है वहां पर? इरफान आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल जितने भी कांग्रेस के नेताओं से मेरी खुद बात हुई है टीवी 9 बात वर्ष की, उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिलहाल बाहर से ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन देंगे, ये साफ किया है। हालांकि ये लास्ट स्टेज में ये बात बता दी गई, और स्टेटहुड का जो फिलहाल उनकी तरफ से बताया गया कि जब तक रेस्टोर नहीं होगा वो शपथ नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूं, ठीक उसी जगह खड़ा हूं जहां तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता इस समय मौजूद है, डल झील के बिल्कुल किनारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ। यहाँ पर प्रियंका, राहुल गांधी, अखिलेश यादव से कुछ देर पहले मेरी बात हुई, और तमाम जो मंत्री पद की शपथ लिए हैं वो विधायक भी यहां पर मौजूद है, और सकीना युतु से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री जो सुरेंद्र चौधरी है उनसे भी मैंने बात की यहीं पर, और उन्होंने कहा कि हम आपको उम्मीद है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और कांग्रेस के हवाले से भी लगातार पूछने का प्रयास किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी साफ किया, मंत्री ने साफ किया कि वो कोई भी कांग्रेस और एनसी के बीच विवाद नहीं है, अगर कुछ है तो उसके लिए मंथन किया जाएगा। फिलहाल 5 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दी गई, जिसमें कोशिश की गई कि जम्मू और कश्मीर का रीजनल बैलेंस दिखे, जो कि सबसे अहम बात थी और उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अभी भी 3 पद के लिए ओथ सेरेमनी होनी है, वो देखना पड़ेगा कि वो 3 जो विधायक है कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें जम्मू के कितने होंगे या कांग्रेस का कोई होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, फुल स्टेटहुड की जो बात है, जो मांग है, वो लगातार कांग्रेस तरफ से रखी गई, और एक विचारों में कहने का मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहा। अभी तो किसी कांग्रेस के विधायक ने शपथ नहीं, लेकिन आगे अब जो 3 और कुल मिलाकर पद बचे हुए हैं मंत्री पद, उसमें क्या कोई कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर नहीं, क्या कोई बात बन पाती है नहीं, इस पर देखना होगा। महराज और हमारे साथ इरफान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।